में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विचारधाराओं के बारे में और आजाद पार्टी की विचारधाराओं के बारे में हर बिंदु के ऊपर आपके बीच में बात रखी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं अल्प बात के अंदर ही मेरी बात खत्म करूंगा। साथियों, आप सबको बताएं, मारवाड़ी में एक आउट है कि कोई चीज हो या कोई बात हो, पतानिया पता करिया करे। कोई चीज ने अपा जैसे पलिंडर पानी है पीठा पड़े के वो पानी मीठो है खारो है, तो भूख राज्य रक्षा आपके बीच में नया नहीं है। 5 साल आप आशीर्वाद हुई छत्तीस कौम रे आशीर्वाद हूँ, राजस्थान ने विधानसभा मायने भोपाल के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करियो। और आप सबने ध्यान है कि चाहे 10 साल हो टाबर हो चाहे 80 साल हो बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य कोई बुजुर्ग है वही मान सम्मान 10 साल वचन दियो, वही मान सम्मान 80 साल पिता तुल्य बुजुर्ग दियो। आप सबने ध्यान है और बहुत बड़ी विशेषता खासियत की भोपाल के विधानसभा मायने कोई कोनेरो कोई भी ग्राम पंचायत कोई भी सरपंच साहब चाहे सरपंच साहब ले की पार्टी ने भी चाहे कोई भी विचारधारा रहा, लेकिन गृह साहब ने गृह जाए और आपने ग्राम पंचायत विकास के वास्ते कोई भी काम मांगियो तो मैं दावा साथ कर सकूं गृह साहब उन सरपंच साहब ने यू नहीं पूछियो कहते की पार्टी रहो क्या विचारधारा हो। गृह साहब आपने हाथों उतर दियो तो सवा साथियों ने मैं एक निवेदन करूं और उन्होंने 25 तारीख ने तमाम ग्राम पंचायत रहा छत्तीस कौम रहे जवान साथियों ने बुजुर्गो ने माताओं बहनों ने एक ही निवेदन करूं कि गृह साहब ने पानी की बोतल मत आप रो हाथ रो अंगूठो दबाई और गृह साहब ने फाजा राजस्थानी विधानसभा में भेजना है। इतनी जमील आपने बीच में करूं आजाद पार्टी का जिला अध्यक्ष भाई मारा पैसा व्यवहार आपने बीच में बात बताता कि कोई भी दुख ने खड़ी महीने मैं कभी याद करा पैसा मैं आपने जरूर बात बताऊं। मैं जगी गृह साहब ने महीने ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेताओं में एक ही खासियत देखी के कोई भी तकलीफ कोई भी जाति कोई भी वर्ग किसी कौम के साथ अगर अन्याय की बात हुई तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने उस परिवार के सुख दुख के अंदर चाहे धरने प्रदर्शन की बात हो चाहे न्याय दिलाने की बात हो सबसे पहले जाकर उनके बीच में इसलिए बैठते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक की पार्टी के नेता हाईकमान इसकी जनता को समझते हैं और बाकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आला कमान अपने नेताओं को समझते हैं कि नेताजी का और पार्टी का इशारा होगा तब न्याय दिलाने के लिए जाएंगे, समाज की बात नहीं करेंगे, समाज की बात वोट मांगते समय करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं की खासियत है कि हमारा कोई हाईकमान है तो ये जनता जनार्दन हाईकमान है, कोई हमारा हाईकमान नहीं है, जनता ही माई बाप है, जनता ही हाईकमान है। तो मैं आपने एक निवेदन करूं आने वाली 25 तारीख ने मजबूती हूँ गृह साहब के पक्ष में मतदान करना है और मैं आपने निवेदन करूं कि आजाद भीम सेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सेना इन गड्ढे फतेह करेला। मैं आपने बड़ी जोश और जुनून के साथ कहना चाहूं बड़े प्रेम प्यार हूं छत्तीस कौम रो साथ ले आई और इन चुनाव ने प्रेम और भाईचारा लड़ना और गृह साहब ने फतेह विधानसभा में भेजना। मारी बात खत्म करूं मैं इतना भरोसा दिलाऊं जगह भी जवान और मारे पिता तुल्य बुजुर्ग आया आप सब लोग पुखरा जी गरखबण और जय भीम रो झंडे ने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे ने हर गरीब की ढाणी तक लेके जाएंगे, विकास की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, नफरत की दुनिया में नफरत पैदा नहीं होने देंगे। गृह साहब ने 5 साल के अंदर कोई भी भोपाल के अंदर कहीं भी कोई भी विवाद नहीं किया, भाईचारे को बढ़ावा दिया, भाईचारे को हमेशा इन्होंने सर आसमान पर रखा, कभी भी नफरत की राजनीति नहीं की। नफरत की राजनीति कहाँ होती है मैं आज नहीं कहूंगा, जो बड़ी सभा होगी परसा मदेना स्टेट में वहां बात करेंगे, यहाँ भाईचारे की बात होगी, साथ की बात होगी, विकास की बात होगी, सब साथ रहेंगे, सब प्रेम से रहेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय तेजाजी, जय आरएलबी।